दोस्तों, इस वीडियो में सीखेंगे हम मल्टीपल कॉलम्स में वी लुकअप कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ एक डेटा दिया गया है, इस डेटा में मुझे यहाँ पर मार्क्स दिए गए हैं और मार्क्स का मुझे यहाँ पर टोटल निकालना है कि जैसे मैथ्स, फिजिक्स और बायो के जो मार्क्स हैं वो यहाँ आए। और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर अमित है और यहाँ पर राहुल है, तो डायरेक्टली तो हम ये नहीं कर सकते क्योंकि मुझे यहाँ पर अमित को ढूंढना पड़ेगा उसके मार्क्स सेलेक्ट करके या राहुल के मार्क्स सेलेक्ट करके मुझे यहाँ पर मैं उसका सम निकालूँ फिर उसको यहाँ पर पेस्ट करूँ। तो ये कॉपी पेस्टिंग वाला काम हम नहीं करना चाहते, तो इसके लिए हम आज यहाँ यूज़ करने वाले हैं सम और वी लुकअप फंक्शन का, जो शायद आपने पहले कभी ना देखा हो। तो चलिए इसको किस तरीके से करने वाले हैं वो आप वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले क्योंकि सम निकालना है तो हम यहाँ पर सम का फंक्शन यूज़ करेंगे। सम फंक्शन करने के बाद आपको करना है टैब। अब बेसिकली सम में क्या होता है कि हम नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री डालते हैं, तो वो हमें यहाँ नहीं करना क्योंकि यहाँ पर हमें लुकअप भी करना है। तो इसके लिए हम यहाँ लगाते हैं वी लुकअप फंक्शन। वी लुकअप करने के बाद टैप करेंगे। टैप करने के बाद सबसे पहले आता है आपका लुकअप वैल्यू। यहाँ पर मेरी जो लुकअप वैल्यू होने वाली है वो होने वाला है उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का नेम। तो यहाँ मैंने राहुल सेलेक्ट करा। राहुल सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाया आपने, ये इसके बाद आता है टेबल एरे। टेबल एरे में मुझे यहाँ जो टेबल दी गई है उस टेबल को मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। टेबल सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, F4 से टेबल को फ्रीज़ करना है। फ्रीज़ करने के बाद यहाँ पर जो आता है कॉलम इंडेक्स का नंबर, यहाँ पे कॉलम इंडेक्स जो है मेरा 2, 3, 4 है, इसको मुझे डायरेक्ट नहीं लिखना है, हम लिखेंगे इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर। कर्ली ब्रेसेस ओपन करा हमने, यहाँ पर लिखा है 2, 3, 4, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा कॉलम नंबर है वो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसके बाद कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे। यहाँ पर आता है अप्रॉक्सीमेट और एग्जैक्ट मैच, तो एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ जीरो लगाते हैं। जीरो लगाने के बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करना है एक बार, जो हमारा वी लुकअप फंक्शन को क्लोज करेगा, और दूसरी बार हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे जो सम फंक्शन को क्लोज करेगा। इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एंटर के साथ एंटर करेंगे और इसको फॉर्मूले को आप नीचे तक ड्रैग करा देंगे। जैसे ही आप फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे तो देखिए आपके सब सारे स्टूडेंट्स की जो टोटल वैल्यू थी वो हमारी ऑटोमेटिकली निकल के आ चुकी है। अब यहाँ पर मुझे ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर मेरा राहुल कहाँ था, संजय कहाँ था, वो जहाँ भी डेटा होगा वो ऑटोमेटिकली उसको सेलेक्ट करके हमें डेटा को रिप्रेजेंट करा देगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसी तरह के ट्रिकी और लेटेस्ट वीडियो आपको देखने को मिलते रहें।